सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्लाह तआला हम सबको खैरियत से रखे और बाईमान रखे। वीडियो जो मैं अभी यह हम देखने वाले हैं, उस वीडियो में क्या दिखाया गया है, क्यों दिखाया गया है, ये सभी इन बातों पे हम बाद में बात करते हैं। पहले हम वीडियो के देखेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक मेरे आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं हम पहले वीडियो, इसमें क्या दिखाया गया है। आज की वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नाजरीन, जो लड़कियां इश्को जिस्मानी मोहब्बत में मुबतला होकर अपने माँ बाप को धोखा देकर घरों से भाग जाती है या किसी गैर महरम को मिलने जाती है, फिर उनका अंजाम ऐसा ही होता है जैसा इस लड़की का हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए नाजरीन, और लाश किसी वीराने या झाड़ियों से बरामद होती है। ख़ास तौर पर अपनी बच्चियों से खुलकर बात करें और बाहर अपने इर्द गिर्द ओबाश लड़कों की मक्कारी भरी बातों में आने से लड़कियों को बचाएं। नाजरीन, ये लड़की इसके साथ यहाँ तक ऐसे ही नहीं आ गई। इस लड़के ने भी बहुत कस्में खाई होंगी, बहुत से वादे किए होंगे, बहुत से सब्ज़ बाग दिखाए होंगे। नाजरीन, इस लड़के का इस लड़की को मौत के घाट उतारने का मकसद सिर्फ ये था कि ये इस लड़की से मोहब्बत करता था और ये लड़की, इस लड़की की शादी कहीं और हो रही थी। ये लड़का इससे शादी करना चाहता था जिससे बात मुकम्मल ना हो सकी। फिर इसने इस लड़की के ऊपर इतना बड़ा कदम उठाया और बोला कि इसने मुझे धोखा दिया है। मेरी तमाम लड़कियों से, तमाम बहनों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर किसी पर भी एतबार मत करें, किसी को भी अपनी तस्वीर या मालूमात मत दें, वरना आपका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है। नाज़रीन, आप इस वीडियो को आगे शेयर करिए, शायद कि किसी की अकल ठिकाने पर आ जाए। और आपको बता दें कि ये वीडियो हम आपको मुकम्मल नहीं दिखा सकते, पूरी वीडियो दिखाने से हम कासिर हैं क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। नाज़रीन, इस वीडियो में एक बहुत बड़ा दर्दनाक अंजाम हुआ इस लड़की का। हमने आपको मुख्तसर सी वीडियो दिखाई है, पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब के कानून ज़वाबित के ये बात ख़िलाफ़ है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो में देखा, हमारी जितनी भी हमारी बहनें हैं किसी भी मज़हब से, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन एंड कलर, सबको ये ज़रूर इस बात की समझ होनी चाहिए कि कहीं पर भी सोशल मीडिया पे अगर आपको इस तरह के कोई झांसे दिए जाते हैं तो इससे बाज आइए, अपने घर वालों की तरफ ख्याल ज़रूर रखें। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।